रविवार को गया के एपी कॉलोनी हिंद ऑप्टिकल्स रोड नंबर 6 में विहाना डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर का पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह एवं डॉक्टर एन राय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अवधेश सिंह और डॉक्टर एन राय ने अपनी शुभकामना संस्थापक को दी। अवधेश सिंह ने कहा कि मरीजों को अब किडनी के इलाज के लिए गया जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान समय में किडनी समस्या के लिए मरीजों को पटना या देश के अन्य शहरों में जाना पड़ता था। खासकर डायलिसिस की आवश्यकता किडनी फेलियोर के मरीजों को पड़ती थी, लेकिन अब मरीजों की डायलिसिस भी इस अस्पताल में कराई जाएगी। गया एक ऐतिहासिक जगह रहा है, आप सभी पत्रकार जानते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा यहाँ के लोगों पर, जो भी यहाँ आते हैं उन पर बना रहता है, और ज्ञान की धरती पूरे दुनिया में एक गया ही एक जगह है जहाँ ज्ञान और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। गया में है तो अभय नारायण, यहाँ अनेक अस्पताल खुला, अर्थ खुला है, शुभकामना खुला है, हट का फलाना का, महाराज निभाना एक नया टेक्नोलॉजी के साथ, डॉक्टर शैलेंद्र यूरोलॉजी की आज जितनी डिमांड है, सबसे ज़्यादा अगर बीमारी कोई हो रहा है तो यूरोलॉजी का, और उसमें हमारे छोटे भाई आज यहाँ पर जो निवाना हॉस्पिटल निर्माण अपना बनाए हैं, इसको हम शुभकामना देते हैं। और आप तमाम पत्रकारों से, जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर अधेय सिंह ने किया है, ये यूरोलॉजी और स्टोन क्लिनिक जो है यहाँ पर बहुत सी हैं, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट एम्स इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, और मैं उनको शुरू से जानता हूँ, वो बहुत ही सिंसियर डिवोटेड हैं। और जैसा कि डॉक्टर अधेय सिंह ने कहा कि यूरोलॉजी का केसेस बढ़ता जा रहा है, यूरोलॉजी में दो ही टाइप के केसेस होते हैं, एक तो स्टोन से और पेशाब इन्फेक्शन होता है, लेकिन उम्र बढ़ने की वजह से सब लोगों को अगर 50-60 गए तो प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम होता है मेल में स्पेशली। सो ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इससे किडनी की बीमारी बढ़ती है। सो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस मैनेजमेंट कराने के लिए हमारे समझ से ये बहुत अच्छा क्लिनिक है स्टोन, और जैसे कि स्टोन यूरोलॉजी क्लिनिक है। हमारी डॉक्टर शैलेंद्र की शुभकामना है, जैसा कोई एम्स में अच्छा काम किया यहाँ भी करेंगे, उनका नाम और आगे बढ़ेगा, आप सभी का सहयोग। इस मौके पर विहान डायग्नोसिस एंड रिसर्च सेंटर के संचालक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार एवं डॉक्टर पल्लवी प्रिया ने बताया कि इस अस्पताल में असहाय गरीब लोगों को कम पैसे में बेहतर इलाज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किडनी से संबंधित इलाज या किडनी में किसी तरह की समस्या हो तो विहान अस्पताल में अवश्य आए। यह अस्पताल में आधुनिक मशीनों से लैस है और विभिन्न तरह की जांच की सुविधा है। गौरतलब है कि भारत में सबसे ज्यादा किडनी के से संबंधित बीमारियां पाए जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में किडनी से जुड़े रोगों की मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इस मौके पर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार धर्मशाही, डॉक्टर रामसेवक, डॉक्टर आशीष प्रसाद, डॉक्टर दीनानाथ, डॉक्टर सदानंद प्रसाद सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार एवं कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये जो हमने अपना हॉस्पिटल खोला है, ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल है किडनी संबंधित बीमारी के लिए, और एक्चुअली मैं किडनी का सर्जन हूँ। अच्छा। तो इसमें पेशाब संबंधी जितनी भी बीमारियाँ हैं, जो बच्चों में हो, बुज़ुर्गों में मेनली एक सर्टेन एज के बाद, 50 के बाद प्रोस्टेट की समस्या आती है, वो समस्या के कारण से कभी कभी किडनी को नुकसान होता है। तो जितने भी किडनीज में स्टोन हो, यूरेटर में स्टोन हो, पेशाब के थैले में स्टोन हो, उसका इलाज होता है। उसके बाद प्रोस्टेट की सर्जरी होती है। बहुत सारे ऐसे भी बीमारी हैं, जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन होने के बाद पेशाब के थैले में छेद हो जाता है, वो सब की सर्जरी भी हम लोग लैप्रोस्कोपी से करते हैं। और जितना भी स्टोन का सर्जरी होता है, हम लोग लेज़र पद्धति द्वारा दूरबीन से बिना पहले की तरह से चीरा किए बिना करते हैं, जिससे मरीज के लिए उसकी रिकवरी के टाइम में बहुत ही उसको दिक्कत कम होती है, कि 2-3 दिनों में ही मरीज़ अपने घर चले जाते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर में एक दिन में ही हम लोग मरीज़ को छोड़ देते हैं, उससे मरीज़ का जो आर्थिक जो भार है वो भी कम हो जाता है। बाकी फिर हम लोग इसमें भविष्य में हम लोग इसमें और भी आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कुछ कुछ डायग्नोस्टिक जो है हम लोग इसमें सेवाएं भी देंगे गया के लोगों को। एक डॉक्टर का रोल होता है डायग्नोसिस बनाने में, उस डायग्नोसिस तक पहुंचने में
हमारा बहुत बड़ा रोल है जो डायग्नोस्टिक्स का रोल है। तो हम जब तक सारी बीमारियों जैसे किडनी से भी की भी जितनी बीमारी है, जब तक हम उसको डायग्नोस करके टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, सर्जन या फिजिशियन अपनी फाइनल ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारा बड़ा ही कहते हैं ना कि बहुत ही किसी चीज में सब्जी में मसाले का क्या रोल है, वैसे ही एक डायग्नोस्टिक्स का रोल एक ट्रीटमेंट में और प्लानिंग ऑफ सर्जरी में क्या रोल है, वो हमारा रोल है।